और इस वक्त मुंबई से एक अहम खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। जहां रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का दूसरा दौर खत्म हो चुका है। रिया चक्रवर्ती से आज 7 घंटे तक सीबीआई ने तमाम सवाल जवाब पूछे हैं। रिया सिद्धार्थ सैंबल को आज आमने सामने बिठाया गया है। साथ बिठाकर सीबीआई ने उनसे सवाल जवाब किए हैं। दरअसल ऐसे कई जवाब थे जिससे सीबीआई संतुष्ट नहीं बताई जा रही थी। जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि 8 जुलाई को लेकर रिया चक्रवर्ती जो दावा कर रही हैं या जो जवाब दे रही हैं वो काफी संदेह पैदा कर रहा है, और यही वजह है कि आज इन तीनों शख्सियत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। सिद्धार्थ सैंबल और रिया, इनके जवाबों में विरोधाभास की बात भी सामने आई थी। आज दोपहर करीब 1 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई थी, और 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद रिया एक बार फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल पड़ी है अपने घर के लिए। आज पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकली थी रिया चक्रवर्ती। अब देखना यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बढ़ती है, क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और सुशांत के फैंस यही मांग कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कई एंगल से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें ड्रग एंगल जैसे ही सामने आया उसके बाद से रिया की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि इसके तार कई लोगों से जुड़े हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती से आज इन तमाम पहलुओं को लेकर सीबीआई ने जरूर सवाल पूछे होंगे। अब देखना यह है कि कल सीबीआई क्या कुछ करती है, क्योंकि आज 7 घंटे की लंबी पूछताछ में रिया सिद्धार्थ और सैमुअल को आमने सामने बिठाया गया था। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी। तो क्या रिया चक्रवर्ती को कल तक जो चेहरे बचा रहे थे अब वही रिया चक्रवर्ती की असल मुसीबत की वजह बनेंगे, वही काला चिट्ठा रिया का खोलेंगे? लगातार दूसरे दिन सीबीआई की पूछताछ रिया चक्रवर्ती को लेकर हुई है। रिया चक्रवर्ती से भी और साथ ही साथ उनके करीबियों से। शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया का भाई है, वो रिया के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा तो जरूर था, लेकिन उससे पूछताछ नहीं की गई है। अभी पूछताछ का दौर लंबा चल सकता है, क्योंकि तमाम पहलुओं पर सीबीआई ना सिर्फ गौर कर रही है बल्कि सबूतों के साथ सीबीआई अब पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है। ड्रग एंगल जैसे ही सामने आया है उसमें रिया का झूठ एक के बाद एक सामने आने लगा। रिया चक्रवर्ती का यह कहना कि वो ड्रग इस्तेमाल में ही नहीं करती थी, चाहे रिया चक्रवर्ती का ये कहना कि सुशांत ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से गौरव आर्या को मैसेजेस भेजे थे। ऐसे तमाम झूठ पर सीबीआई ने आज तमाम सवाल पूछे हैं। सुमित हमारे सहयोगी जो पूरी खबर पर नजर रखे हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, पूछताछ जो है वो रिया चक्रवर्ती से खत्म हो गई है। दूसरे दिन की ये पूछताछ थी और करीब 7 घंटे लंबी पूछताछ सीबीआई ने आज की है। कल 10 घंटे की पूछताछ थी और आज 7 घंटे की पूछताछ हुई है। कुल 17 घंटे अब तक पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो गई है, और आज की पूछताछ में सबसे बड़ा लबोलुआब यही है कि एक बड़ा अपडेट यही है। सीबीआई सोर्सेज के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने ड्रग चैट में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि स्वीकारा है कि जो ड्रग चैट था गौरव आर्या के साथ वो उन्हीं का था और उन्होंने ही चैट किया था। ऐसे में सबसे अहम बात यही है कि ड्रग चैट की जो भूमिका स्वीकारा है रिया चक्रवर्ती ने, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ा अपडेट है, और ऐसे में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज सिद्धार्थ बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं सुमिता, कि रिया चक्रवर्ती ने ये मान लिया है कि गौरव आर्या से ड्रग्स को लेकर जो बातचीत हो रही थी वो रिया चक्रवर्ती ने ही की थी, यानी इस मामले में रिया चक्रवर्ती संलिप्त है। तो अब तक झूठ क्यों बोल रही थी? कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती अब खुद के जाल में ही फंस रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे केस में पूछताछ कर रही है और एनबीसी इंतजार कर रही है कि सीबीआई की पूछताछ जैसे ही खत्म होगी और एनबीसी भी इस पूरे मामले में सम्मन जारी करेगा, पूछताछ करेगा, क्योंकि जो जिस तरह से ड्रग की जो भूमिका है उसमें गिरफ्तारी का सीधे तौर पर अधिकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को है, तो कभी भी रिया चक्रवर्ती की सीबीआई भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इंतजार है कल की पूछताछ का, क्योंकि कल भी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए
लिए बुलाया है। और आप देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती जो है अपने घर पर पहुंचने वाली हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अब से थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती निकली थी और उस उनकी गाड़ी का हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस बाकायदा सुरक्षा दे रही है। और ये भी बता दूं अक्षय आपको मैं कि सिद्धार्थ पठानी ने एक बार फिर से अपना बयान बदला है। उसके बयान में फिर से विरोधाभास नजर आया है, बयानों में अंतर है ये साफ तौर पर है। और सबसे दो अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं कि जो केशव है, केशव के अलावा जो नीरज है, उन दोनों के बयान में भी डिफरेंसेज नजर आए हैं, दोनों के बयान में अंतर आए हैं। तो आज की जो करीब 7 घंटे की जो पूछताछ थी रिया चक्रवर्ती से, उसमें यही है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग चैट में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया है। और नहीं, आप क्या गौरव आर्या के साथ भी बिठाकर पूछताछ हो सकती है क्योंकि उसकी भूमिका लगातार सवालों के घेरे में रही है, उसे भी समन भेजा गया है। तो क्या गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती दोनों का आमना सामना करा सकती है सीबीआई? देखिए अक्षय, मैं आपको बता दूं कि ईडी ने समन भेजा है गौरव आर्या को, अभी सीबीआई की ओर से समन भेजा जाना बाकी है। तो कभी भी किसी भी वक्त अब गौरव आर्या को समन सीबीआई भेज सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है। मैं आपको बता दूं कि कल ही ईडी ने गौरव आर्या को समन भेजा था और 31 अगस्त को पेश होने को कहा था कि आप 31 अगस्त को पेश होइए और आपसे पूछताछ होगी। और ऐसे में जिस तरह से आज जो सीबीआई सोर्सेज बता रहे हैं कि अपनी ड्रग चैट की भूमिका को रिया चक्रवर्ती ने स्वीकार कर लिया है, तो ऐसे में मुमकिन है कि आने वाले दिनों में गौरव आर्या को किसी भी वक्त समन सीबीआई कर सकती है। तो निश्चित तौर पर आज जो है 7 घंटे की जो पूछताछ थी रिया चक्रवर्ती से वो अब खत्म हो गई है। कल सीबीआई ने फिर से रिया चक्रवर्ती को बुलाया है और निश्चित तौर पर तमाम सबूत जो है अब सीबीआई के हाथ लग रहे हैं क्योंकि सिद्धार्थ पठानी का जो पहले से ही बयान जो था, पहले से ही जो जवाब था वो कॉन्ट्राडिक्शन था बयान में। आज भी जो पूछताछ हुई है उसके बयानों में अंतर साफ तौर पर देखने को मिला है। और सबसे अहम बात है जो कुक है नीरज और केशव, उनके बयान में भी अंतर देखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस में अब सीबीआई को झोल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है। तो जी, और क्या छिपाया जा रहा है यही पता लगाने की कोशिश सीबीआई लगातार कर रही है। लेकिन एक अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो सबसे पहले जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है। ये रिया के काफिले की तस्वीरें हैं जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस से वो अपने घर के लिए रवाना हुई है। लेकिन आज की पूछताछ में रिया ने यह कबूल किया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कि गौरव आर्या से ड्रग्स को लेकर किसी ने अगर बातचीत की थी तो वो रिया चक्रवर्ती ही थी। रिया के मोबाइल से वो चैट जैसे ही सामने आई थी रिया लगातार इसे नकार रही थी, लेकिन आखिरकार आज रिया ने कबूल कर लिया है और इसके कई मायने हैं। देखना यह है कि क्या ये तार किसी नेक्सस से जाकर जुड़ते हैं। सुमित लगातार नजर रख रहे हैं, तमाम जानकारी हम तक आपने पहुंचाई। सुमित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अपडेट के साथ हम हाजिर हो रहे हैं, आप लगातार रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।